तैये भाई बताइएगा, एक नया बंदा ये तजर्बा करना चाहता है और वो ये इतने सारे बर्तन स्टैंड वगैरह नहीं ले सकता जी, बिल्कुल, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, हमने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है लोगों को बताने के लिए, ठीक है। जब तक लोग अच्छे तरीके से इसको समझ नहीं लेंगे, जब तक उनका अच्छे तरीके से वो कर नहीं सकते, ठीक है। आपने स्टैंड की बात की, आपने बर्तनों की बात की, बर्तन आपके पास नहीं है, आप इस तरह का काटन का कोई कपड़ा ले लें, कोई सूती कपड़ा ले लें जिसमें से पानी आराम से नीचे आ जाए, आप पानी लगाएं, एक मिनट के बाद दो मिनट के बाद पानी नीचे आ जाए, ठीक है जी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये चेक करें, ये नीचे जिस तरह ये ऊपर इसका फ्लोर है, इसी तरह इसका स्टैंड का ये निचला फ्लोर नीचे भी है, ठीक है। हमने इस तरह ये कपड़ा बिछा दिया, कपड़ा बिछा के जिस तरह हम वीडियो में क्लिप चला रहे हैं, जो इसका पहला दिन है, ठीक है, ये हमारा पहला दिन है, ठीक है। अब तकरीबन ये इसका सातवां दिन हो गया, ठीक है। वीडियो में एक साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, हम क्लिप चला रहे हैं इसको, हम मैंने ये फुल था आज ही सुबह मैंने इसको इस्तेमाल किया है मुर्गियों को, ठीक है जी। ये देखें, इसमें भी माशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई फंगस नहीं है, ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सातवां इसका दिन है, आज इसका सातवां दिन है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है, ठीक है जी। ये देखें, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, आप कपड़े से भी इसका शुरू कर सकते हैं, आज से ही शुरू करें, ये वीडियो देखें और आज से ही इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तकरीबन आपको सातवें दिन इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसका ये नहीं है, इसके ऊपर कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर टाइम कुछ नहीं लगता, ठीक है। दो चार मिनट आपको बीज भिजवाने पर लग जाएंगे, भिगोने पर लग जाएंगे, ठीक है, और दो चार मिनट आपको इसके ऊपर बिछाने पर लग जाएंगे, ठीक है जी। आपने सर स्टैंड पर बात की, स्टैंड भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमने इसका आज तकरीबन 2 साल पहले इसका तजर्बा किए करके हम कामयाब हुए थे, हमने इस तरह किए थे, ठीक है। ये चेक करें, ये ईंट रखी हुई है हमने, आप दो ईंट रखें और इसके ऊपर ये बांस की लकड़ी रखनी है, दूसरी लकड़ी वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, वो मजबूत नहीं होती। ये बांस देखें, मैं इसके ऊपर वजन भी डाल रहा हूँ, ईंटें भी रखी हुई हैं, पर ये नीचे कुछ भी नहीं, ना तो ये जो कि ये टेढ़ा हो रहा है, किसी भी किस्म का इसमें लचक भी नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भाई आपने तरीका तो सारा बता दिया, अब इसकी कास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि कितनी गंदम हो, कितना ये बनाया जा सकता है। देखें, सबसे पहली बात ये है कि आपके पास इसका अगर बहुत ही अच्छा स्टैंड बनाते हैं आप, ठीक है, इस फिर भी इसके ऊपर खर्चा नहीं, ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले बताया कि हमारा लोहे का कारखाना, ये हमने खुद बनाया, ठीक है। आप इस तरह स्टैंड भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टैंड बहुत भी अच्छा बनाते हैं, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपको सारा साल चलता रहेगा, 10 साल 20 साल भी आराम से निकाल जाएगा। उसके बाद ये ट्रे है, ठीक है, ये सर ट्रे आपको 100 रुपये की मिल जाती है, ठीक है। आप खाली ट्रे ले लें, स्टैंड ना लें, 100 रुपये की ट्रे ले लें, ठीक है, उसके अंदर आप गंदम डाल लें, ठीक है। गंदम ट्रे का खर्चा मैं नहीं डाल रहा, ट्रे को छोड़ें, ठीक है, गंदम का ले लें। गंदम तकरीबन अब 1500 से 1700 रुपये मन है, 40 केजी आती है, ठीक है, और 1 केजी एक ट्रे के लिए काफ़ी है। आप आधा केजी भी डालेंगे फिर भी माशाल्लाह इस तरह ये भरी हुई होगी, ठीक है जी। आप 1 केजी ले लें, 1 केजी के ऊपर 1 केजी गंदम हो, तकरीबन इससे 8 से 10 केजी चारा हम हासिल कर सकते हैं अच्छी मैनेजमेंट से, ठीक है जी। वो तकरीबन कह लें, अगर सबज चारे की कास्ट की बात करें, ये हमें 5 रुपये 4 रुपये केजी पड़ जाता है उस हिसाब से, ठीक है जी। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपने मुर्गियों की बात की, तो ये भाई मुर्गियाँ कितनी मुर्गियाँ हों और कितनी हमें सबज चारा चाहिए, ये इतना सेटअप है ना, ये हमारे पास 200 परिंदे हैं, ठीक है, आस्ट्रोलॉग के 200 परिंदे, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास 7-8 ट्रेज हैं और ये काफ़ी हैं। एक ट्रे हम भिगोते हैं, एक ट्रे को डाल देते हैं, एक ट्रे को भिगोते हैं, एक ट्रे को डालते हैं। ये हमने अपनी एक चेन सेट की हुई है, ठीक है, ये जिस आप खाली देख रहे हैं, ये 24-12 घंटे के बाद हम इसमें यानी कि वो भर देंगे, ठीक है। ये हमने अपनी एक एवरेज सेट की हुई है। हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि इसको एक मुर्गी को ये कितना डालें, ठीक है जी। आप अगर बात करते हैं ना एक मुर्गी को आप 100 एक अडल्ट जो मुर्गी है ना एग लेंगे उसको 100 ग्राम फीड, कमर्शियल फीड 100 ग्राम चाहिए, ठीक है। आप 50 ग्राम वो दें, ठीक है, 50 ग्राम आप ये दें, आप इस तरह करें, आप 50 ग्राम ये दें या 100 ग्राम वो दें, 150 ग्राम फीड हो गया, फीड डाल के दे लें, 50 ग्राम आपके बाद जाएगी, ठीक है। हम इस कर रहे हैं गर्मियाँ, फुल गर्मियाँ, गर्मियों में जो ना कि मुर्गियाँ फीड खाती नहीं है, ठीक है, माहौल हमने ठंडा दिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आपको खुद ब खुद वो पीछे हट जाएंगे फीड से, बर्तन से छोड़ देंगी, ठीक है, फिर आपको मजबूरन 50 ग्राम ये और 50 ग्राम आपको फीड डालनी पड़ेगी। इससे प्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है, वही जो ना कि अंडे हैं, वही जो ना कि उनका टाइम टेबल है, उतनी ही मकदार में दे रही हैं, एक दिन का भी फ़र्क नहीं हुआ, ठीक है। अगर बात करें कि फ़र्क हम नुकसान होने के जो ना कि अगर हम कहते हैं, कोई बंदा कहता है नहीं इसके ऊपर नहीं पाली जा सकती, हम कहते हैं कि हमने ये शुरू किया, हमने बाज़ार से ना तो हमने विटामिन लिए, ना मल्टी विटामिन लिए, किसी भी किस्म का
ना ही हमने अद्वियात कोई भी किसी भी किस्म कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, हर चीज़ इसमें मौजूद है, ये कुदरती निज़ाम है, ठीक है, कुदरती नेचुरली हम इसको दे रहे हैं, कमर्शियल भी फीड भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, माशाल्लाह रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। एक हमारा और फार्म है जिसके ऊपर हम टोटली ही ये दे रहे हैं, इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, ठीक है, 100 से 150 ग्राम हम देते हैं तो वो इसके ऊपर ही, क्योंकि इसमें दाना है, ठीक है ना, इसमें दाना, ये जड़ें भी हैं, ये दाना भी है और ये सब चारा भी है। अच्छा तैयब भाई, आप बताइएगा कि एक मुर्गी अगर ये 50 ग्राम खाती है, वैसे तो अगर फीड पे डाली जाए तो मेरे ख्याल में 5 रुपये खर्चा आ जाता है, बिल्कुल, इस पे एक मुर्गी जो है वो कितना खा जाएगी अगर ये डाला जाए? तकरीबन कह लें कि अंडा लेने के बाद अगर कह लें अंडा आपको 5 रुपये की खुराक खाए मुर्गी, फिर अंडा आपको एक अंडा मिलता है, ठीक है, 5 रुपये खर्चा आ जाता है फीड का। अगर आप इसको डालते हैं तकरीबन फीड आपके आस्ता आस्ता कम भी होना शुरू हो जाएगी, आप 30 से 40 ग्राम हम कहते हैं कि 30 ग्राम फीड दें बकाया ये दें, प्रोडक्शन एक जैसी होगी, अंडे का साइज भी अच्छा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मुर्गी का अंडे देने का लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर मुर्गी है वो 200 अंडे देती है वो 250 अंडे देगी, ठीक है, और उसके बाद ये है कि उसकी जिंदगी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो जिंदगी के तकरीबन कह लें उसकी उम्र भी और लाइफ भी इसके साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक नेचुरली फीड भी खा रही है साथ में। अच्छा तैयब भाई, ये जो नए फार्मर हैं वो ये काम करने से थोड़ा सा झिझकेंगे कि यार इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो अगर वो मेहनत करें तो आप उसे उन्हें क्या कहेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उनके लिए? देखें, जब आप उन्हें फार्म चलाना होता ना कोई, ठीक है, आप दिन में 2 मरतबा तो आते हैं या 3 मरतबा, गर्मियाँ 3 मरतबा आपको, हमने 3 मरतबा आते हैं, अंडे वगैरह उठाते हैं, पानी वगैरह रखते हैं, फिर चले जाते हैं अपने काम पर, ठीक है जी, 3 दफ़ा आप डेली इसको शेड में रखें, छाँव में रखें, 3 दफ़ा इसको आप पानी दें, ठीक है, सुबह पानी अच्छे तरीके से सुबह पानी दे दें, दोपहर को दे दें और शाम को अच्छे तरीके से भर के पानी लगा दें, ठीक है जी, तो उसे ये होगा कि माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और इसका नुकसान भी आपको नहीं, गर्मी की वजह से इसका नुकसान भी नहीं, सर्दियों में तो 1 दफ़ा पानी बहुत होता है इसके लिए, ठीक है, तो हाँ ये है कि आपने सवाल किया है कि इसके लिए माहौल किस तरह का चाहिए, आप इसको कोई किसी भी किस्म का शेड दे सकते हैं, दरख्त के नीचे इसको लगा सकते हैं, दरख्त वगैरह किसी छाँव में लगा, हाँ छाँव में रखें इसे, ठीक है, वो ज़बरदस्त है, आप इसको अपनी बेसमेंट में भी कमरे बंद कमरे में भी रख सकते हैं, हाँ उससे ये होगा कि इसका थोड़ा सा कलर विटामिन इसकी जो ना कि फ़ायदा उतना ही होगा, ठीक है, इससे आप डालेंगे मुर्गियों को फ़ायदा उतना ही होगा, ये होगा कि इसका थोड़ा सा कलर है वो येलो हो जाएगा, कलर येलो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो इसका माशाल्लाह कलर ये ग्रीन आएगा, फुल ग्रीन, ठीक है। अच्छा तैयब भाई, बातें तो होती रहेंगी, क्या आप थोड़ी सी ये जो चारा है ये किसी मुर्गी को डाल के बता सकते हैं ताकि व्यूवर्स को पता चल जाएगा, मुर्गी वाकई बड़ा खुश होकर ये खा लेते हैं? देखिए, हम फीड में डाल के इसको देते हैं, वैसे हम इसको अपनी यहाँ पे इस फार्म पे तो नहीं दे रहे, हम इसको फीड में इसका छोटा छोटा कुतरा करके देते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, ये पूरी ट्रे हम टोके के साथ इसको कुतर देते हैं, जो हाथ वाला टकुआ होता है उसके साथ कुतर के छोटे छोटे पीसेज करके, हाँ वीडियो में आपको बता देता हूँ इसको किस तरह काटना है, ये छोटा सा क्लिप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मदद उनको मिल जाएगी दोस्तों को किस किस तरीके से हम इनको डाल सकते हैं, ठीक है जी, वीडियो में साथ हम चला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस तरह हम फीड में इसको मिक्स करके हम दे, हमने आज 2 साल पहले इसको बनाना सीख लिया था, बना भी रहे हैं और अपनी गोट फार्म पे भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अब मुर्गियों पे ऊपर भी हमने इसको अच्छा रिजल्ट लिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमने इसकी वीडियो पहले क्यों नहीं दी, उसकी वजह यह है कि लोगों ने बनाया, हमने अपने दोस्तों को बताया और उन्होंने बनाया, पर उनका कि एक वीडियो में आप नाराज़ मत हो, एक वीडियो में इसकी डिटेल देना बहुत मुश्किल है, तकरीबन 40 से 50 वीडियो होंगी, छोड़िए ये तो सिर्फ इंट्रो है, ठीक है, इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह 40 से 50 वीडियो होंगी जिसमें हम कवर करेंगे कि इसको किस तरह हर चीज़ इसमें कवर करेंगे, जो आपके अब सवाल पूछ रहे हैं ना वो इंशाल्लाह आप पूछें, कमेंट सेक्शन आपके लिए आन है, आप आएँ और सवाल पूछें, इंशाल्लाह हम उसके जवाब भी देंगे उसके ऊपर, उन सवालों के ऊपर इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाए करेंगे, जब भी हम कोई इसके मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर उसका जवाब भी देंगे, इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे।